क्या कहते हैं वो टर्म जो है 4 एंड 5 है, तो के क्या वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पहले जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स माइनस के बाई एक्स स्क्वायर का पावर 10। जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस 1 जो होगा वो हो जाएगा 10 CR रूट एक्स का पावर 10 माइनस R, और यहाँ माइनस या फिर माइनस बाहर लगा देते हैं, -1 का पावर R यहाँ लिख देते हैं, और के बाई एक्स स्क्वायर का पावर R। देखिए क्या हो जाएगा, -1 का पावर R 10 CR यहाँ हो जाएगा x का पावर 1/2 इंटू में 10 माइनस का R, और यहाँ k का पावर R और y में x का पावर 2R। -1 का पावर R 10 CR x का पावर 5 माइनस का R बाई 2 इंटू के का पावर R बाई में x का पावर 2R। यानी अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 का पावर R टी आर प्लस 1 जो है, -1 का पावर R 10 CR यहाँ देखिए k का पावर R x का पावर 5 माइनस, देखिए डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 5R/2। चलिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अभी x से इंडिपेंडेंट हम, तो बाई इक्वेटिंग इक्वेट करेंगे x का पावर 0 एंड x का पावर 5 माइनस 5R/2, यानी 0 किसके होगा, 5R - 5R/2 के, यानी आ जाएगा 5R/2 इक्वल टू में 5, ये जाकर उधर 10 हो जाएगा, ये R का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, R का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि टी आर प्लस 1 यानी कि टी 2 प्लस 1 -1 का पावर 2 10 C 2 के का पावर 2 एक्स का पावर 5 माइनस 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल 0 इक्वल टू में कितना दिया है जी, तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है जी, 400 कुछ दिया था, 405 इक्वल टू में 405। चलिए ये 1 हो जाएगा, ये 10 का फैक्टोरियल बाई में 2 का फैक्टोरियल और 10 - 8 का फैक्टोरियल, के स्क्वायर ये एक्स का पावर 0 हो जाएगा, चलो तो ये गायब हो गया 405। 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल यहाँ नीचे 2 है, बाई में यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2 और 8 का फैक्टोरियल यहाँ भी आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू में 405। ये इससे कैंसिल, इसको आप 5 टाइम्स में, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 405 और बाई में कितना हो जाएगा 45, है ना जी, ये ना हो जाएगा जी, तो इसको हम लोग काट सकते हैं 9 टाइम्स में, है ना, तो यानी k इक्वल टू में आ जाएगा +-√9, यानी k का वैल्यू आ जाएगा +-3। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।